हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो अभी शाम का 5:30 बज चुका है और हम लोग के साइड खूब बारिश हो रहा है। आप लोग के साइड आज का मौसम कैसा है कमेंट करके बताइएगा। तो इस बारिश के मौसम में कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा है, तो फिर आज मैं बनाने वाली हूँ पत्ते का रोटी। ये देख सकते हैं, ये है सखुआ का पत्ता, इसको बोलते हैं सरई पत्ता। तो फिर मैं इसी में रोटी बनाने वाली हूँ आज। तो फिर बने रहिएगा कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में, ठीक है? मैं कैसे बनाती हूँ और इस रोटी का क्या नाम है सारा चीज़ बताऊँगी। कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप बताते हैं आप लोगों को कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। सबसे पहले इस रोटी को बनाने के लिए चावल का आटा ऐसे रेडी किया जाता है। बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, ठीक भर। और जिसको मीठा पसंद है वो लोग इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। इसको पीसने के समय ही गुड़ ऐड करेंगे तो ये हल्का मीठा लगेगा, लेकिन मैं इसमें गुड़ ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको सब्जी के साथ खाऊंगी, इसीलिए ऐसे चावल का आटा पीस के रखी हूँ। तो फिर इसमें नमक डाल के थोड़ी देर छोड़ दी हूँ। छोड़ने के बाद में ये देख सकते हैं इस टाइप का शेप बनाना है। इस टाइप का शेप कैसे बनाते हैं मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है? तो फिर ऐसे मैं 5 टाइप का फोल्ड करके देखिए ऐसे आइसक्रीम का शेप दे देना है। उसके बाद इसको बोलते हैं, ये बांस का डंटी है, बांस का डंटी, इसको खैरका बोला जाता है सादरी भाषा में, खैरका, और कुड़ुक भाषा में बोलते हैं चारी, चारी बोलते हैं ना? हाँ, चारी ही बोलते हैं, याद आ गया अभी, मेरे को नहीं पता था, बट हाँ चारी। इसको ऐसे बना के छोड़ देना है। तो फिर मैं जितना होता है बना लेती हूँ, कम से कम 5-6 और। नीचे से नहीं गिरे इसके लिए मैं नीचे भी ये कर दे रही हूँ। सच्चा है, इसमें मैं हल्का सा पानी डाल दी हूँ, देख सकते हैं। पानी डालने के बाद में ये सबसे छोटा वाला है इडली का सच्चा, इसी को इसमें रख देना है। उसके बाद ये मैं चूल्हा जला रही हूँ। अब इसको गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी, ढक्कन से ढक देती हूँ। इधर भी दिखाना जा रहा है, अब ये पत्ता को ले आई मैं, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और इसको गर्म होने के लिए ढक देती हूँ। गर्म होने के बाद तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आधा पक चुका है, इसमें अच्छी तरफ से भाप भी चढ़ गया है और ये ग्रीन ग्रीन पत्ता देख सकते हैं, पत्ते का कलर भी चेंज हो गया है, अब ये येलो दिखाई दे रहा है। तो ये करीब बनने ही वाला है और थोड़ी देर बस मैं इसको ढक के रख देती हूँ ताकि ये और अच्छे से पक जाए। का वाला यार, सॉरी,
छोटा वाला कुछ करता है, बड़ा वाला मुर्गा है ना फटक देता है। और इधर है बत्तख, दो डक है, छोटा जो चूजा चूजा है ना उसको ना पूरा फटक के निकाल देता। तो कितना ठू था, तो खो गया? नहीं है, आया दिख रहा था, हम सोचे तो खा गए। तो देख सकते हैं मुर्गी उर्गी खाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग का पत्ता वाला रोटी बन के, जो बूढ़ी करम का फेमस रोटी है, और ये सरई पत्ता में मैं बनाई हूँ, देख सकते हैं। और इधर मैया भी खा रही है। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है, टेस्टी है ना, मज़ा। कौन सा रोटी है बेटा, क्या नाम है इसका, जानती है? धुत्तू रोटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, धुत्तू रोटी। मैया सो के उठी है अभी, और देख सकते हैं ये है धुत्तू रोटी। डाले थे वो समय ग्रीन ग्रीन पत्ता था, अभी येलो पत्ता हो गया है। अब इसको खोलना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पत्ता को कैसे खाएगा ये लोग, लेकिन इसको खोलना पड़ता है। मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। उसमें जो भी ये बांस का खरका लगा हुआ था उसको हटाना है। तो देख सकते हैं समोसा के जैसा इसका शेप है। खा के बताओ खा कैसा के है। बहुत अच्छा, टेस्टी, आप लोग को भी खाना है। तो बहुत इजी तरीके से बन जाता है ये धुत्तू रोटी। इसको ऐसे खोल लेना है, आप एक साथ भी खोल सकते हैं। तो हम लोग पत्ते के साथ ही लेके बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। और ये रहा धुत्तू रोटी, अब हम लोग टेस्ट करके बताते हैं, मज़ा आ गया। बहुत सॉफ्ट बना है ना, बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग का पेट धुत्तू रोटी खा के भर चुका है, और मैया भी इधर सो गई है खाओगे। तो फिर ठीक है, लोग आज यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग का धुत्तू रोटी वाला रेसिपी आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे एक न्यू कंटेंट के साथ। तो फिर अब तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, गुड नाइट।